दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है, खास करके भारत में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों अपने क्रिकेट का मैच देखते वक्त एक चीज नोटिस की होगी कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर वो सफ़ेद सी चीज क्या लगाता है और उस चीज से खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा मिलता है और उस चीज का नाम क्या होता है। दोस्तों मैच के दौरान जो खिलाड़ी अपने चेहरे पर सफ़ेद सी चीज लगाते हैं उस चीज को जिंक ऑक्साइड कहते हैं। जिंक ऑक्साइड एक तरह की क्रीम होती है जो कि खिलाड़ियों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि खिलाड़ी सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाते। इसकी वजह यह है कि सनस्क्रीन जो होती है वो केमिकल से बनी होती है और जो खिलाड़ी अपने चेहरे पे लगाते हैं वो जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम होती है। खिलाड़ी 6-7 घंटे मैच के दौरान धूप में रहते हैं, इस वजह से वो अपने चेहरे पे जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम की परत चढ़ाते हैं और वो परत काफी मोटी होती है। इतनी देर तक धूप में रहने से उनकी स्किन डैमेज हो सकती है और उनकी स्किन लाल पड़ सकती है या फिर उसमें सूजन भी आ सकती है। इन सबसे बचने के लिए खिलाड़ी अपनी स्किन पर जिंक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाते हैं। दोस्तों जिंक ऑक्साइड एक फिजिकल सनस्क्रीन है जो कि केमिकल वाले सनस्क्रीन की तरह साइड इफेक्ट नहीं करती है। जिंक ऑक्साइड के क्रीम को रिफ्लेक्टर के तौर पर भी यूज करते हैं जो कि सूरज की हानिकारक किरणों को परावर्तित करने में मदद करती है। दोस्तों अब बात करें कि कहाँ और कैसे लगाई जाती है जिंक ऑक्साइड की सनस्क्रीन। तो दोस्तों अधिकांश क्रिकेटर इसे सिर, चेहरे, गर्दन के पीछे, अपने होंठों पर या अपने हाथों पर लगाते हैं। इससे स्किन जलन और सूजन से भी बची रहती है और ना ही किसी तरह की खुजली, रैशेज और एलर्जी की समस्या होती है। सिर, चेहरा, गर्दन और होंठ ये सबसे एक्सपोजिव एरिया होते हैं और ये एक्सपोजिव होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स भी होते हैं। जिंक ऑक्साइड की क्रीम को सर और चेहरे पर लगाना पहली प्राथमिकता होती है। बस खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों की मदद से ही एक्सपोजिव एरिया में इस क्रीम को लगाना होता है। दोस्तों आप सब ने देखा होगा कि खिलाड़ी इस क्रीम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आँखों के नीचे, नाक के ऊपर और होंठों पर करते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि खिलाड़ी मैच के दौरान अपने चेहरे पर सफ़ेद सी चीज़ क्या लगाते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सोचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।